सबसे पहले भोजपुरी सभी दर्शकों को उनके सबसे चाहते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज हमारे प्रदीप जी का, बल्कि प्रदीप चाचा का, मेरे चाचा हैं और ये मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं हमेशा। ये अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा रखते हैं मुझ पर। और आज इनका बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही खुशनुमा मौका है इस खुशनुमा मौके पर। और वो मौका ये है कि आज इनका वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे है और आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे भोजपुरी के जितने भी लोग हैं सभी इकट्ठा हुए हैं। और मेरी दिल से ये कामना है कि मेरे चाचा को ऊपर वाले ऐसे ही तंदुरुस्त रखें, खुश रखें, यही मुस्कुराते रहें सदा, ऐसे ही हंसते रहें और भगवान इनकी उम्र लंबी करें, बल्कि मेरी उम्र भी इन्हें लग जाए और ऐसी खूबसूरत को बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी फिल्में देते रहें। और मैं हमेशा से ये कामना करता हूँ कि हमारे मेरे लोग हैं, जैसे मेरे चाचा हुए, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा फिल्में दी हैं हमारे भोजपुरी में और इनका बहुत खूबसूरत सहयोग रहा है, बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है भोजपुरी में। तो ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और इस खुशी के मौके पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम भोजपुरिया परिवार, पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है। और जब ये फैमिली के लोग, ये परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत खुशी फील होता है। जब परिवार के लोग कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त रहते हैं और आज किसी ना किसी एक ऐसे मौके पर हम सब इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी खुशी महसूस होता है। और वही देखिए, आप सबको कहीं ना कहीं साउंड आ रही होगी, वॉइस आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, काफ़ी धमाल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाच गाना चल रहा है, आप सब लोग देख ही रहे होंगे। और उसी के साथ साथ हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, बहुत ही खूबसूरत हीरोइन निधि झा जी है, जिनकी अभी बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रदीप जी जिन्होंने प्रोड्यूस की है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आ रही है। और अब मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारी निधि जी भी बोले। पहले तो आप सभी को निधि झा की तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार, वैसे थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा तारीफ करने के लिए। हाँ, आज प्रदीप जी का बर्थडे है, सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे, भगवान करे कि हमेशा खुश रहे। और बाकी के विशेज इन्होंने दे दिया है तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बस खुश रहें। जैसे भी क्यों, बहुत अच्छे रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहिए, जन्मदिन का है, लोगों ने बहुत सेलिब्रेशन किया, सर ने डांस बहुत किया, या मर क्या कहना चाहिए? दो ही है, फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, ट्रेलर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का है जो अभी मई में रिलीज होगी। और ये सब मेरे घर के परिवार के लोग हैं जो आए हैं और सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को भी प्यार करते हैं, इसीलिए सब लोग आए। आज रात भर इनको नचाया जाएगा कि ताकि इनको जन्मदिन उम्र याद रहे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत धमाल आता है। और जब भी हम मिलते हैं, हमारा सिनेमैटिक रिश्ता नहीं, हमारा परिवार का रिश्ता, घरेलू रिश्ता है प्रदीप जी से। और ये मुझे ऐसा, हमेशा मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ और अक्सर कहा जाता है कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। तो ये मेरे लिए खुश नसीबी रही है, मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरे इंडस्ट्री से मिला है, मेरे परिवार से मिला है। तो और मैं बस जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारे चाचा को, और इन्होंने इतनी योगदान दिया है हमारे सिनेमा को, हम सभी को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ज़रूर देखें और उससे ज़्यादा देखें मेरी आने वाली फिल्म। एक बात हमारे दर्शकों से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी फिल्म लगे, जो भी सिनेमा लगे, आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ, पूरे समूह के साथ जाकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर देखें। जहाँ तक की बात है एकता की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री इकट्ठा हुई है, तो ये एकता की बात है जिन्होंने, जिस चीज़ ने हमारे भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाया है। और मैं वही बोलना चाहूँगा कि अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने देश में एकता बनाए रखें और उसी एकता के साथ हमारी फिल्मों को देखते रहें, हमारी फिल्मों को प्यार देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। और इसी एकता के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।